हेलो दोस्तों, मैं सुभय कुमार। दोस्तों 66 बीपीएससी के अंतर्गत मैंने वीडियो है जो मैंने डाला था इकोनॉमिक्स से एंड करंट अफेयर्स का भी। आज हम बात करेंगे हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति और उसके लिए जो साउथ चाइना सी पॉलिसी है, वन चाइना पॉलिसी है जो चीन का, और वर्तमान समय में भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है हिंद प्रशांत क्षेत्र, जिसको भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र कहता है, वही है जो चीन इसे एशिया प्रशांत क्षेत्र कहता है। तो दोस्तों इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। कुछ हम ओवरव्यू आपको बता दें कि हिंद जो महास जो क्षेत्र है पूरा, वो है जो 21st सेंचुरी के सबसे महत्वपूर्ण ट्रेड रूट का एक पार्ट है, जिसका भारत करीब करीब 5,00,000 करोड़ का है जो व्यापार इसके माध्यम से करता है। करीब करीब वैश्विक जो टोटल व्यापार है उसका 60% है जो भारत करता है, और 80% है जो तेल का आयात है जो उसी रास्ते होता है। आपको बता दें दोस्तों कि जो हिंद जो पूरा क्षेत्र है 7.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, ये है जो पूरा एरिया है, और उसमें जो साउथ चाइना सी है वो है जो 13 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया है। ये सब इसलिए डेटा हम आपको दे रहे हैं कि कभी लिखने में जो आपको सहूलियत हो। 21वीं सदी का जो युग का है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, तीसरा सबसे बड़ा सागर है, पृथ्वी का 19.8% भाग है जो यह जो कवर करता है, और 1/3 माने 1/3 जनसंख्या है जो इस पे निवास करती है। प्राकृतिक आपदा के लिए संवेदनशील एरिया है और सामरिक प्रतिस्पर्धा का मुख्य क्षेत्र है, और कहा जाता है कि 1 से 120 देशों से अधिक युद्धपोत है जो वहां पर तैनात की गई होगी। अगर कुछ दिन पहले आपने जब न्यूज सुना होगा तो ब्रिटेन ने भी है जो अपना डेरा, उसका एक नाम था जो भूल रहे हैं, उसको है जो भी है जो तैनात किया है। तो चीन की जो विस्तारवादी नीति है कहीं ना कहीं वर्तमान समय में वैश्विक जो देश है उनके लिए, और जो छोटे देश है जिनके ऊपर है जो अपना अधिकार प्राप्त करता है उसके लिए, एक सामूहिक रूप से साउथ चाइना सी और हिंद महासागर की जो सुरक्षा है, संरक्षा है, व्यापार मार्ग है, उसको सुरक्षित करना कहीं ना कहीं सभी देशों की एक सामूहिक जिम्मेदारी है। तो दोस्तों हम इसी पे आज बात करेंगे। वहां 3 ऐसे वैश्विक मार्ग हैं, व्यापार मार्ग हैं, जिसपे एक हार्मुज जो फारस से ओमान को जोड़ता है, मलक्का, तीसरा बाबू मतलब, ये 3 है जो पिलर है वहां पर, जिसकी है जो हम आपके बारे में है जो हम चर्चा हम बाद में करेंगे। दूसरी चीज है कि दोस्तों जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी भारत ने वियतनाम फिलीपींस के साथ है जो एक संधि भी किया है अपना रक्षा निर्यात को बढ़ाने के लिए। भारत ने वियतनाम के साथ, फिलीपींस के साथ, ताइवान के साथ है जो एक एग्रीमेंट भी किया है, जिसमें ध्रुव भोल हेलीकॉप्टर की बात हो गया, ब्रह्मोस मिसाइल की बात हो गई। तो निश्चित रूप से उस एरिया में भारत ने अपना दिलचस्पी है जो दिखाया है। तो हम इसी मुद्दे पर है जो बात करेंगे दोस्तों आज। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की विस्तारवादी नीति वैश्विक देशों के लिए नकारात्मक है। कुछ भूमिका में आप है जो उस तरह चीज को लिखिए जो है जो एक सामूहिक रूप से है जो इसका है जो प्रभाव देखने को मिले, क्योंकि 21वीं शताब्दी हिंद प्रशांत व्यापार, सुरक्षा, संरक्षा, छोटे देशों के हित के लिए भारत के लिए भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम इसमें भारत के साथ जितने भी पड़ोसी देश है उसको और हिंद प्रशांत को प्रभावित करने वाले देश उसको सबको है जो हमने इसमें समेटने का है जो प्रयास किया है। इस क्षेत्र की आक्रामकता के कारण भारत ने विशेष विस्तार रूप के लिए क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसको क्वाड के नाम से जानते हैं, यह है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दोस्तों हम भारत के परिप्रेक्ष्य में लिखने का प्रयास करेंगे और फिर इसे है जो इसको है जो डायमेंशन को है जो फैलाने का प्रयास करेंगे बाद में, जब धीरे धीरे है जिस तरह से यह जो आगे बढ़ेगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र, चीन और वैश्विक स्थिति के ऊपर है जो एक क्वेश्चन है उसको है जो लिखने का प्रयास किया है।
हिंद प्रशांत क्षेत्र 7.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में स्थिरता, सुरक्षा, समुद्री मार्ग और स्वच्छ रखना सभी वैश्विक देशों की जिम्मेदारी है, लेकिन अपने गल्फ वॉरियर पॉलिसी के माध्यम से चीन ने अपनी विस्तारवादी नीति पे कायम है, जो वैश्विक आलोचन का केंद्र बना है। आप एकदम सामूहिक रूप से है जो आंसर को लिखने का प्रयास कीजिएगा, और उसमें कुछ छोटी छोटी चीज जैसे गल्फ वॉरियर पॉलिसी, ट्रैक टू अपने डिप्लोमेसी, ये सब चीज का है जो यूज कीजिएगा, तो वहां पर क्या होगा कि आपका आंसर है जो बहुत बढ़िया। बफर एरिया, बफर जोन, ये सब चीज का है जो प्रयोग करने का है जो प्रयास कीजिएगा। चीन की अभी वर्तमान समय में अगर कहा जा सकता है दोस्तों कि चीन के ऊपर जो बाइडेन प्रशासन है उसने है जो हाल फिलहाल में है जो चीन के ऊपर है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र के ऊपर है, जो अपनी जो नजर बनाए रखे है, और इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि एशिया जार कहे जाने वाले कैट कैम्बल, उनको हिंद प्रशांत क्षेत्र का जार बोला जाता है, उनके बहुत पकड़ है, इसीलिए एक विशेष कोऑर्डिनेशन कमिटी के चेयरमैन कैट कैम्बल को है जो बनाया गया है, जो इस चीज पे है जो पूरी नजर रखेंगे, उसको है जो एशिया जार के नाम से जाना जाता है, कैट कैम्बल। क्या नाम है उनका? कैट कैम्बल कैम्बल, ये है जो एशिया जार के नाम से इसे जाना जाता है, और है जो बाइडेन प्रशासन ने है जो इनको वहां पर है जो नियुक्त किया है, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो अमेरिका के लिए है। और अभी हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट आया है, एक सर्वे रिपोर्ट आया है कि अमेरिका की जो हिंद प्रशांत क्षेत्र पे है जो अपनी जो स्थिति है, पकड़ है जो कहीं ना कहीं है जो कमजोर पड़ती गई है, और भारत इसमें चौथा एशिया पावर इंडेक्स उससे सर्वे करता है, एशिया पावर इंडेक्स ने कहा कि भारत है जो अब इसमें चौथा सबसे ज्यादा मजबूती वाला देश बन गया है जो इसको प्रभावित करता है, जहां पर अमेरिका 81% उसको है जो यहां पर भागीदारी पहले मिलती थी, अब है जो कम कर है जो कम से कम 71-72 के आसपास है जो पहुंच गई है। चाइना की है जो स्थिति थी उसको भी कभी, लेकिन भारत की है जो पावर इंडेक्स है जो बड़ी है, तो आप इसके मामले में है जो पूरा आप देख सकते हैं। इसको हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे दोस्तों। हम है जो यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ भारत ने एशियान के साथ, बिमस्टेक के साथ जो भी संबंध है भारत ने है जो अच्छा करने का प्रयास किया है, लेकिन भारत ने भी RCEP से है जो बाहर निकला है, तो भारत की है जो अपनी वैश्विक क्षमता को भी पहचानने का है जो भी वर्तमान समय में स्थिति है जो उसको पता चला है, और चाइना भी है जो इस संबंध में है जो जानता है कि पहले जैसी भारत की स्थिति नहीं है, चाहे इसे चाइना के ऊपर डिजिटल स्ट्राइक की बात किया जाए, बॉर्डर स्ट्राइक की बात किया जाए, और फिर है जो आपका इकोनॉमी स्ट्राइक की बात किया जाए, भारत ने वैक्सीन बनाने में जहां से भी देशों को मदद किया है, हिंद प्रशांत क्षेत्र के जितने भी देश है उसको मदद किया है, वहां कहीं ना कहीं जो भारत है जो अभी एज ले लिया है, तो इस समय से हम कह सकते हैं कि भारत की जो स्थिति है अभी वर्तमान समय में चाइना के बराबर की स्थिति बनी हुई है, और भारत ने है जो कहा है कि आप जिस तरह से काम करोगे उस तरह की स्थिति में हम है जो आपसे बात करेंगे ब्रिक्स सम्मेलन में, जो 5 पॉइंट्स जो दोनों के बीच में वार्ता हुई थी अभी है जो कुछ दिन पहले है जो दोनों देश आगे पीछे है जो अपने 8 फिंगर और 3 फिंगर की जो बात थी जो अप्रैल मई 2020 की जो स्थिति थी उससे हमें जाने का प्रयास किया, थोड़ा सा हम उससे जोड़ने का प्रयास किए हैं, थोड़ा सा कह सकते हैं कि हम जो स्थिति है उस स्थिति को बनाने के लिए हम भारत से इसे जोड़ने का है जो प्रयास करते हैं। ये भारत है चीन की 9 डैश लाइन जो कृत्रिम द्वीप बनाकर अपना क्षेत्र में विकास कर रहा है, जिसमें जो अस्पार्टी और पार्सल है, आप इसको यहाँ लिख सकते हैं, विस्तारवादी स्वरूप जो मलक्का से अंडमान सागर से जोड़ता है साउथ चाइना सी, यहाँ पर 13 लाख वर्ग किलोमीटर और इन क्लॉज 1982 का उल्लंघन करता है, तो एक चीज है जो थोड़ा सा है जिसे देखने का है जो प्रयास कीजिएगा। चीन का जो BRI प्रोजेक्ट है वो है जो भारत की संप्रभुता को कहीं ना कहीं जो चुनौती करता है, उस चुनौती को भी देखने का है जो हम इसमें प्रयास करेंगे। अच्छा, एक चीज है कि चीन के साथ जो विवाद है कि किस किस द्वीप के साथ है जो चीन का जो विवाद है उसकी अगर हम बात किया जाए तो ताइवान के साथ दोगांस द्वीप है, जापान के साथ सेनकाकू द्वीप है, फिर है जो थाईलैंड के साथ है, थाईलैंड के है, लायोस के साथ है, इंडोनेशिया के साथ है, वियतनाम के साथ है, ये सब देशों के साथ 14 ऐसे देशों है जिसके साथ है जो चीन का है जो नकारात्मक स्वरूप है, जिसे हम इसे कह सकते हैं कि स्थिति है जो वर्तमान समय में चीन की जो विस्तारवादी नीति है वो सभी वैश्विक देशों के लिए है जो खतरा का है जो कारण बन सकता है।
अच्छा, अब एक चीज अगर बता सकते हैं कि भारत को यहाँ रेखांकित करने वाले क्या क्या कारक हो सकते हैं। भू सामरिक स्थिति की अगर हम बात किया जाए तो वहां से है जो जितने भी व्यापार का जो रूट्स है, उस रूट्स को है जो भारत को है जो वहां पर है जो अपने ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरह से है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र को है जो अपने लिए और सुरक्षा और संरक्षा के लिए है जो और मजबूत है जो बनाया जाए। चीन को प्रतिसंतुलित करने की बात कही गई है कि हिंद महासागर में जो अगर बात किया जाए तो भारतीय नौसेना के द्वारा संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है जिसमें है जो ह्यूमैनिटी डिजास्टर से रिलेटेड होता है, मैरीटाइम डोनम अवेयरनेस की बात किया जाता है, सूचना एक दूसरे को जो बात की जाती है, फ्रांस के साथ है जो रियूनियन द्वीप पर है जो भारत में एक रियल टाइम सेटलमेंट जो सुरक्षा के लिए इसरो और वहां की जो स्पेस एजेंसी है उसके साथ है जो दोनों टाई अप किया है। तो आप है जो उस चीज की है जो बात आप लिख लीजिएगा उस चीज को जो मैंने बोल रहा हूँ, जो कहा कि बहुत बड़ा आंसर है, हम सोचेगी सब पूरा आंसर को समेटने का है जो प्रयास है जो इसमें किया गया। भारत की तरफ से अगर साझा हित की बात किया जाए तो सागर जो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन की जो बात किया जो सभी क्षेत्रों में सुरक्षा की है जो बात किया जाता है। तो यहाँ पर भारत को सभी देशों के साथ जो छोटे देश है और बड़े देश है उसके बीच में एक मीडिएटर के रूप में है जो काम करेगा। भारत जो है एक मीडिएटर के रूप में काम करेगा, ये है जो बड़े देशों के साथ और छोटे देशों के साथ ये दोनों देशों को बीच में जो भारत है जो काम करेगा ताकि जो इस क्षेत्र को समृद्ध बनाया जाए, सुरक्षित बनाया जाए। कहा कि आवागमन जो है निश्चित रूप से है जो इसको प्रभावित अगर करेगा और चीन की विस्तारवादी नीति अगर इस प्रकार की रहेगी। तो हम जो क्वाड की बात करते हैं दोस्तों, क्वाड इसकी स्थापना हिंद प्रशांत के लिए 2007 में जापान द्वारा किया गया था। इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका की भूमिका है। इसका उद्देश्य स्वच्छ संचालन, सुरक्षा, सामुद्रिक व्यापार को सख्त एवं संरचनात्मक रूप से बनाना जिसका प्रमुख वैश्विक रूप पर पड़े। छोटा सा लिखना, ज्यादा हमें नहीं। क्वाड की जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति है, आप है जो उसके बारे में लिखिए। क्वाड्रेटर सिक्योरिटी जो एग्रीमेंट है उस पर क्या क्या करता है, लेमोया कॉमक्वेसा जो बीका है जो डील किया है इस क्षेत्र को और बेहतरीन बनाने के लिए जो किया है। भारत, अमेरिका, जापान के साथ जो मालाबार अभ्यास जो होता है 1992 से हो रहा है, इसमें सप्लाई चेन को मजबूत बनाना, वैश्विक स्थिरता को बढ़ाना, चीन की नीति को संतुलित करना, सैन्य अभ्यास और आपदा प्रबंधन की जो बात करता है। तो हम इस क्षेत्र की है जो स्थिति को मजबूत बनाने के लिए जो कहने गए भारत है। और दूसरी चीज एक चीज बताते हैं दोस्तों कि देखिए अगर आप इंडिया की बात किया जाए और इधर अमेरिका की बात किया जाए और इधर है जो चीन की बात किया जाए, तो इंडिया कहता है कि हम जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड की हम बात करते हैं। मल्टीपोलर वर्ल्ड और मल्टीपोलर साउथ एशिया माने सभी का भागीदारी हो। अमेरिका की अपनी वैश्विक हित है, अमेरिका कहता है कि है जो यूनिपोलर वर्ल्ड हो और मल्टीपोलर साउथ एशिया हो, यह जो अमेरिका का कहना है। चीन का कहना है कि यूनिपोलर वर्ल्ड, चीन का था अपने स्तर से हम कि यूनिपोलर वर्ल्ड हो और यूनिपोलर साउथ एशिया हो, माने हम वैश्विक स्थिति में हम जो काम करेंगे। आप जानते हैं दोस्तों कि चीन की जो 14वीं 15वीं पंचवर्षीय योजना में है जो वो अपने आत्मनिर्भर चीन की है जो बात की है और सप्लाई चेन को बढ़ाने की है जो बात की है। तो निश्चित रूप से जो पंचवर्षीय योजना है जिसमें है जो एक 3 गॉर्जियस डैम है जो ब्रह्मपुत्रा नदी पर बना रहा है जिसको भारत ने उसे वाटर बम की है जो संज्ञा दी है। क्या दी है? उसके वाटर बम की संज्ञा दी है कि अगर स्थिति अगर खराब हो जाएगी तो भारत के लिए आपदा, असम में समस्या है जो खड़ी हो सकती है। तो कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से है जो चीन है जो एक रणनीतिक रूप से भारत के साथ है, जो एशिया में है जो उसके साथ है, जो एक साथ में शत्रु के रूप में उसको है जो कहा जा सकता है। कहा है कि आपदा ऐसी स्थिति होती है दोस्तों जिसका है जो निराकरण एक लंबे अरसे तक उसका जो प्रभाव पड़ता है। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी पे जो 3 गॉर्जियस डैम जो बनाया जा रहा है, भारत ने है जो इसका विरोध किया है। भारत ने कहा कि ऐसी स्थिति रहेगी तो हमें कहीं ना कहीं जो आपदाओं से जूझना पड़ेगा। तो ये वॉटर बम, तो आप इस जिसे हमने है जो वर्ड का यूज किया डिजिटल स्ट्राइक, आईटी एक्ट 2069 के अंतर्गत इकोनॉमिक स्ट्राइक, हमने है जो वैश्विक जो आयात था उसको कम करने का है जो काम किया इकोनॉमिक स्ट्राइक, वॉटर बॉम स्ट्राइक की बात है जो हमने किया, इन है जो वैश्विक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्राइक की है जो हमने बात किया कि हम वैश्विक स्तर पर कैसे जो कहना कहते बर्ड को है जो सिलेक्शन की बॉल्फ वॉरियर पॉलिसी, बफर एरिया, बफर स्टैक, ये सब चीज है जो
ये सब यूज करने की है, जो निश्चित रूप से जो काम कीजिएगा। तो अमेरिका की जो लोमिया है, कॉम कैसा है, डी का है, इसके बारे में है जो आप है जो कहीं भी पढ़ सकते हैं कि लॉजिस्टिक एग्रीमेंट क्या है, कॉम सुरक्षा के लिए, संचार सुरक्षा के लिए जो कॉम्पेटेबिलिटी जो कम्युनिकेशन एग्रीमेंट हुआ है, और बी का जो हुआ है जिसे लाइव डेटा है ट्रांसफर किया जाएगा, बेसिक एक्सचेंज कम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट जो हुआ है। अभी तीसरी 2+2 वार्ता में आप जानते हैं कि तीसरी 2+2 वार्ता थी जो अभी है जो दिल्ली में हुई थी, और चौथा है जो आपका फिन है जो फिन वाशिंगटन में होगा। तो निश्चित रूप से जो दोस्तों कहा जा सकता है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र को अगर व्यापक रूप से अगर बात करना है तो आपको इस स्थान में लिखने का प्रयास है जो करना पड़ेगा। भारत को क्षेत्रीय संपर्क व्यापार में सुविधा बढ़ाना होगा, संस्कृति को बढ़ावा देना होगा, जिसको सॉफ्ट पावर का जो कहा जा सकता है डिप्लोमेसी, इसको कहा जा सकता है। अभी आप वर्तमान में जानते हैं कि सॉफ्ट डिप्लोमेसी भी जो कार्य है जो इसके लिए है जो काम है जो कर रहा है।